अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ार रेसिपी लेके आए हैं, मटन हलीम की रेसिपी। ये इफ़ार में ज़रूर से बनता है, तो अब उस हलीम को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, एकदम रेस्टोरेंट का टेस्ट लाने के लिए उस हलीम में मेरा इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। और आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना, स्किप करने से इसका सेम टेस्ट नहीं आएगा। हलीम का प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इसको बनाना है। हलीम जितना टेस्टी होता है उतना हेल्दी भी होता है, तो इसको इफ्तार में बना के ज़रूर खाएं। तो चलिए देखते हैं इस हलीम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे 100 ग्राम गेहूं ले लिए हैं, आप यहाँ पे दलिया भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 100 ग्राम मसूर का दाल ले लिए हैं, यहाँ 50 ग्राम मूँग का दाल ले लिए हैं, यहाँ 50 ग्राम छिलके वाला मूँग लिए हैं, और यहाँ पे 50 ग्राम तूर का दाल ले लिए हैं, और 50 ग्राम उड़द का दाल ले लिए हैं। यहाँ 50 ग्राम बार्ली ले लिए हैं, और जिसे जौ भी बोला जाता है, और यहाँ 50 ग्राम कामिनी चावल लिए हैं, आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। 50 ग्राम चने का दाल ले लिए हैं। दाल को एक प्याला में ले लेना है, सबको मिक्स करना है अच्छा से, और 4-5 पानी से अच्छा से धो लेना है। दाल को अच्छा से वॉश कर लिए हैं। अब देखते हैं दाल को पकाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। दाल को पकाने के लिए हमें 10 से 12 हरी मिर्च चाहिए। यह हलीम थोड़ा स्पाइसी बनता है, तो इतना मिर्च ज़रूर डालिएगा। और यहाँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिए हैं। अब इसको कुकर में शिफ्ट कर देना है, और इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। हाई फ्लेम में 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। और इतना ही क्वांटिटी में अगर आप बनाते हैं हलीम, तो आराम से 18 से 20 लोगों के लिए सर्व किया जा सकता है। अब देख लेते हैं हमारे मटन के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे 600 ग्राम मटन लिए हैं, और 2 पाया ले लिए हैं छोटा पीसेस में कट करके। आप हलीम में पाया ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के जीरा पाउडर लिए हैं, और 1 टेबलस्पून भर के धनिया का पाउडर लिए हैं। अब आपको मसाले पूरा स्पून भर के लेना है, और यहाँ पे 4 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ले लिए हैं, और 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ले लिए हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी मिर्च लिए हैं, 1 टेबलस्पून नमक लिए हैं, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिए हैं। आपको कश्मीरी मिर्च ज़रूर से डालना है हलीम में, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे 1 कप तेल ले लिए हैं, जो करीब 50 ग्राम का अंदाज है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को कुकर में डाल देना है, और अच्छा से मिक्स करना है। मिक्स करके 2 कप पानी ऐड करिए, और हाई फ्लेम में 5 से 6 सीटी लगा लीजिए। मटन को ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस 60-70% ही पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पक जाने से अभी फिर जब दाल में पकेगा तो वो दाल में मिक्स हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस हलीम को बनाने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का प्याज हमने स्लाइस कर लिए हैं, और यहाँ पे 1 प्याज चॉप कर लिए हैं। ज़्यादा फाइनली चॉप करने का ज़रूरत नहीं है, बड़े साइज़ में ही रखना है। और इस हलीम को बनाने के लिए हमने यहाँ शान का हलीम मिक्स मसाला पाउडर का यूज़ किए हैं। ये बहुत ही अच्छा मसाला है। अगर आपको हलीम का मसाला घर में नहीं बनाना आता है, तो आप इस मसाले को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है हलीम में। और ये मसाला मार्केट में भी बहुत ईजीली अवेलेबल है। यहाँ मुगलाई मीठा अतर ले लिए हैं, ये हलीम में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो ये ज़रूर से यूज़ करें। यहाँ 50 ग्राम पुदीना का पत्ता ले लिए हैं, और 50 ग्राम धनिया का पत्ता ले लिए हैं। यहाँ पे 1 कप देसी घी ले लिए हैं। अब देखिए हमारे दाल पूरा पक के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे मटन भी पक के रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है हमारे मटन में। अब हमें धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता का पेस्ट बना लेना है। देखिए धनिया और पुदीना का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको एक अलग प्याला में निकाल लेना है, और इसी जार में दाल को ठंडा करने के बाद 2 से 3 सेकंड के लिए पीस लेना है। ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं पीसना है, बस 2 से 3 सेकंड ही पीसना है। देखिए दाल बिल्कुल पीस के रेडी हो चुका है, और जैसे ही वीडियो में दिख रहा है वैसे ही टेक्सचर में आपको भी पीसना है। इसे दरदरा रखना है, एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है। अब इस हलीम को बनाने के लिए एक बड़ा सा डेक्ची लीजिए। यहाँ पे हमने 14 साइज़ का डेक्ची लिए हैं,
और उसमें जो 1 कप तेल लिए थे उसको डाल के अच्छा से गरम कर लेना है। गरम हो जाने के बाद जो प्याज हमने स्लाइस करके काटे थे उसको फ्राई कर लेना है। प्याज को ज़्यादा बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, एकदम गोल्डन कलर में आ जाए तभी निकाल लेना है, उसका ब्रिस्ता बनाना है तो इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए प्याज फ्राई हो चुका है, बस इसी कलर में ही आपको फ्राई करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको। अब इस प्याज को आधा से ज़्यादा ऐसे ही हाथ से चूर कर लेना है और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखना है। इसको हलीम में डालना है और इसको गार्निशिंग के लिए रख देना है। अब उसी तेल में 3 लीटर पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद जो हमने धनिया और पुदीना का पेस्ट बनाए थे उसको डाल देना है और अच्छा से मिक्स करके इसको उबाल लेना है। और जब ये पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें जो दाल हमने पीस के रखे थे उसको डाल देना है और बहुत ही अच्छा से मिक्स कर देना है इस पानी में। अब देखिए हमारा दाल पानी में बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब इसमें मटन ऐड कर देंगे। मटन डालने के बाद इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। जो लाल किया हुआ प्याज हमने हाथ से चूर करके रखे थे अब उसको ऐड करके अच्छा से मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यू इसको स्टर करते जाना है और मीडियम टू हाई फ्लेम में रखना है। अब जो हमने शान का हलीम मसाला लिए थे उसका 6 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर रहे हैं, आप अपना टेस्ट के हिसाब से डालिए। और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यू स्टर करते जाना है। हलीम का प्रोसेस जो है वो थोड़ा लेंथी होता है तो इसको थोड़ा पेशेंस के साथ बनाना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, उससे हलीम का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। और अब वीडियो में जैसे देख रहे हैं आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, अगर कोई भी पार्ट आप स्किप करते हैं तो हलीम का सेम टेस्ट नहीं आएगा। आधा घंटा हो चुका है हमारे हलीम को पकाते हुए, देखिए इसका टेक्सचर भी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें 50 ग्राम का अंदाज धनिया पत्ता को अच्छे से चॉप करके डाल देना है। हमने इसको 10 से 12 मिनट और पका लिए हैं और अब जो मुगलाई मीठा अतर लिए थे उसका 8 से 10 ड्रॉप इसमें डाल के अच्छा से मिक्स कर देना है। और अब देखिए ये सुपर टेस्टी कोलकाता का रेस्टोरेंट स्टाइल हलीम बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छा सौंधा खुशबू आ रहा है इससे, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप लोग प्लीज़ इफ्तार में इस रेसिपी को एक बार बना के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और अब इस हलीम में तड़का लगाना बाकी है तो चलिए तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने एक छोटा सा पैन लिए हैं और उसमें जो हमने देसी घी लिए थे वो ऐड कर दिए हैं। घी अच्छा से गर्म हो जाने के बाद इसमें जो चॉप किया हुआ प्याज था उसको डाल देना है और अच्छा से फ्राई कर लेना है, बहुत लाइट फ्राई करना है, बिल्कुल ही लाल नहीं करना है इसको। देखिए प्याज को हमने लाइट फ्राई कर लिए हैं, अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे और अच्छा से मिक्स करके इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेने के बाद ये हलीम सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको सर्व करने के लिए आप जो हमने प्याज रखे थे लाल किया हुआ उसको गार्निशिंग के लिए यूज़ करें और आप बारीक कटे हुए अदरक के पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया नींबू जो आपको पसंद आए गार्निशिंग के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा से गार्निश करें और सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये हलीम, आप प्लीज़ एक बार बिल्कुल ट्राई करें इसको। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।